वंशी बजरंग दल प्रांत सह संयोजक गोरक्ष प्रांत। आज हम लोगों ने आदि पुरुष मूवी को बैन लगाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपा है और मांग कर रहे हैं कि यह फिल्म तत्काल प्रतिबंधित किया जाए देश भर में। अभी आपने देखा नेपाल में इसको प्रतिबंधित किया गया है और उसी तर्ज पर भारत में भी किया जाए, क्योंकि यह फिल्म पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए ही बनाई गई है। किसके फंड पर बनाया गया, कौन लोग इसमें शामिल हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। रामायण 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। राम हमारे लिए केवल व्यक्ति नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनको आदि पुरुष बताया गया है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा के पुरुष है। और रामायण पर किसी भी प्रकार की ओछी हरकत या हिंदू समाज को कुठाराघात कर रही है, चोट पहुंचा रही है। और इस पर बजरंग दल पूरे देश में सक्रिय है और मांग कर रहा है सरकार से कि ऐसी फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाए। और सेंसर बोर्ड पता नहीं क्या करता है, कैसे इन लोगों को मान्यता दे देता है, समझ में नहीं आता है। जब भी कोई हिंदू विरोधी फिल्म बनती है, यह लोग तुरंत उसको मान्यता दे देते हैं। राम इस देश की आत्मा है, राम हमारे मर्यादा पुरुष है, राम हमारे आस्था के केंद्र है। और राम पर ऐसी फिल्म बनाई जा रही है वाहियात तरीके से, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आप कोई भी कथा उठा करके देखिए, फिल्म में दिखाया जा रहा है हनुमान जी कह रहे हैं कि तेरा बाप सबकी लंका, क्या तेरे बाप की लंका जलेगी। और उसमें ऐसे अनेकों सीन हैं, माता हनुमान जी सीता जी को अपनी जननी कहते हैं, माता कहते हैं रामचरितमानस में। और वहां कहा गया है कि हमारी बहन को जो छेड़ेगा उसको हम ऐसा कर देंगे। तो क्यों भाई रामायण के नाम पर ही क्यों आधुनिकता परोस रहे हो, क्यों नहीं इस्लाम के नाम पर परोसने की हिम्मत है तुम्हारी। अभी फ्रांस के अंदर एक सार्ली अब्दो नाम की मैगजीन थी, उसने मोहम्मद साहब का एक कार्टून केवल बनाया था और क्या हुआ परिणाम पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया ने देखा कहाँ कहाँ उसका विरोध हुआ। लेकिन हिंदू समाज की सहिष्णुता का अनर्गल फायदा उठाया जा रहा है बॉलीवुड के लतखोरों द्वारा। इन लोगों को जूते से मारने की जरूरत है। ये नहीं सुधरेंगे तो देश की जनता इनको सुधारेगी। 600 करोड़ की मूवी हम आग्रह करते हैं हिंदू समाज से, कोई न देखने जाए उसको। 600 करोड़ कमाने में कम से कम 600 दिन लग जाए, तब इन लोगों को समझ में आएगा कि हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना ठीक नहीं है। आज का हमारा समाज कश्मीर फाइल जैसी लो बजट की मूवी देख करके उसको सुपर हिट कराता है, लेकिन तुम 600 करोड़ की मूवी बनाओगे और राम जी और हनुमान जी हमारे आस्था के केंद्र हैं, 100 करोड़ हिंदू उनसे प्रेरणा लेता है, उनके साथ अगर मजाक करोगे, उनके साथ आधुनिकता करोगे तो यह ठीक नहीं है। बजरंग दल और पूरा हिंदू समाज तुमको जवाब देना जानता है। और इस प्रकार की ओछी हरकत करने से ओम राउत और मनोज मुंतशिर जिसने डायलॉग लिखे हैं, इन दोनों की कारस्तानी के कारण हिंदू समाज आज आंदोलित है। और हम मांग करते हैं सरकार से इन लोगों पर भी मुकदमा चलाया जाए और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में इनको जेल भेजा जाए कम से कम, तब जा करके हिंदू समाज का गुस्सा शांत होगा और ऐसी फिल्म का पूर्ण रूप से हम लोग बहिष्कार करते हैं जो हमारे रामचरितमानस, रामायण, राम जी, हनुमान जी और सीता जी के नाम पर भद्दी भद्दी चीजें बनाई गई। दिखाया जा रहा है कि रावण मांस का टुकड़ा खिला रहा है जानवर को, रावण अजगर के उस पर लेटा हुआ है, पुष्पक विमान नहीं है। रामायण की जो हमारी वैज्ञानिक चीजें हैं, राम सेतु नहीं दिखाया जा रहा है। उस समय में पुष्पक विमान हमारे पास था, वो नहीं दिखाया जा रहा है, केवल ऐसा दिखाया जा रहा है कार्टून है। हम लोग आज भी अरुण गोविल जी की रामायण देखते हैं। रामायण देश के जन जन में रची बसी है और उसके साथ किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य होगा तो हिंदू समाज इसका जवाब देगा। अगर बैन नहीं होता तो क्या कार्रवाई होगी? बैन हम चाह रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं। बैन ना भी हो तो भी हिंदू समाज इसको देखने ही नहीं जाएगा। अभी चौथे दिन का कलेक्शन देखिए, गिर के धड़ाम से 16 करोड़ रुपए आ गई। और अब यह फिल्म चलेगी नहीं। और आजमगढ़ के भी सिनेमा अगर संचालकों से बजरंग दल मांग करता है शीघ्र अतिशीघ्र फिल्म हटा लें, अन्यथा हमको घेराव करना पड़ेगा। विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ, जितनी जल्दी मूवी हटा लेंगे ठीक है, अन्यथा यह हिंदू समाज के साथ हम लोग कुछ करेंगे मुरली सिनेमा घर पे। जय जय।